अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ इत्मीनान तो कुछ परेशान करने वाली खबरें हासिल होते हुए देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा एनडीए को जिल्लत का सामना करना पड़ा, भारत की आवाम ने 400 पार धर्म के नाम पर और नफरत परोसकर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहिए कि झूठे एग्जिट पोल के जरिए शेयर मार्केट में करोड़ों रुपया अपने दोस्तों को यानी अडानी अंबानी को कमाने का मौका बनाकर गरीब आवाम को फिर से चूना लगाया और बयान बड़े देशभक्त होने का दिया गया। खैर, 400 पार वालों को उनके हैसियत का अंदाजा मुल्क की बाशऊर आवाम ने 240 पर ही रोक कर बता दिया। मुल्क में नफरत की राजनीति नहीं चलती बल्कि मुद्दों और आवामी मसाइल पर ही लोग वोट देते हैं का पैगाम सीधे तौर पर चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह, भगवान का अवतार समझने वाले मोदी और भगवा लिबास पहनकर अपने आप को योगी होने का दावा करने वाले आदित्यनाथ को दिया गया। मुल्क का संविधान ही सबसे ऊपर है का एहसास भी मोदी को दिलाया। मैं का घर खाली कैसे होता है इसका भी एहसास हुआ होगा, क्योंकि संविधान को बदलने की धमकी देने वाले मोदी को आकर संविधान के सामने सर झुकाने की नौबत आई। इन तमाम खुशियों के पहलू में एक गम का अफसोसनाक पहलू यह भी रहा कि कर्नाटक में कांग्रेस में आपसी इख्तलाफात का उछाल भी देखने को मिल रहा है। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार को लेकर अंदरूनी खलीश पहले से ही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब यह खलीश और ज्यादा नजर आ रही है। जहां मुल्क अमन सुकून और नफरत से दूर होने के इम्कान को देख रहा था, वही कर्नाटक की सियासत पर काले बादल मंडराने के खतरात भी दरपेश नजर आ रहे हैं। बेलगाम के कांग्रेस उम्मीदवार को हराने की वजह, इनके बेलगाम के मृणाल हब्बाड़कर को हारने की वजह तलाशते हुए इल्जामात का दौर देखने को मिल रहा है। कुछ कन्नड़ यूट्यूबर्स ने तो वजीर रियासत लक्ष्मी हब्बाड़कर के भाई और एमएलसी चर्राज हट्टीओड़ी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरे कुछ लोगों का हाथ होने की भी बात माशरे में गश्त करती हुई देखने को मिल रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि मामू ने भांजे को इसलिए शिकस्त दिलवाई क्योंकि सियासी तौर पर मृणाल का कद चंद्रराज से ऊपर न हो जाए। खैर, कितनी सच्चाई ही इसका पर्दाफाश तो वक्त आने पर मालूम हो जाएगा, लिहाजा इस तरह की चर्चा सियासी गलियारों में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ चिक्कोड़ी से प्रियंका जारकीहोली की जीत 90,000 वोटों से भी है, लेकिन वजीर सती जारकीहोली का कहना है कि कांग्रेस की कुछ लोगों ने प्रियंका जारकीहोली को हराने की कोशिश की, जिससे वोटों की बढ़त 2,00,000 हासिल होने से 90,000 पर आकर रुक गई। कुर्ची के कांग्रेस एमएलए महेंद्र तमन्ना और अरथनी के लक्ष्मण सऊदी की तरफ उनका इशारा कहा जा रहा है। महेंद्र तमन्नावर ने वोटिंग को कम करने की कोशिश की, ऐसा इल्जाम वजीर सती जारकीहोली ने लगाया। बजाय प्रियंका जारकीहोली के लिए काम करते शंभू कल्लोलकर के लिए काम किया गया, जिससे वोटिंग में कमी आई, ऐसा इनका कहना है। लिहाजा कांग्रेस का वोटिंग फीसद कुर्ची हलके में गिर गया और इसका फायदा भाजपा को जानबूझकर पहुंचाया। इस इल्जाम का जवाब देते हुए एमएलए महेंद्र तमन्नावर ने कहा कि जारकीहोली भाइयों की जानिब से एससी एसटी लीडरों को सियासी तौर पर खत्म करने की साजिश चली जा रही है। सतीश जारकीहोली एक ताकतवर सियासी लीडर है और मेरा सियासी वजूद भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह इल्जाम का दौर जारी हो चुका है। इसी तरह अथनी में जिन लोगों ने भाजपा से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी, इन्होंने भी ईमानदारी से काम नहीं किया कहते हुए लक्ष्मण सऊदी पर निशाना बनाया, जिससे यहाँ के लक्ष्मण सऊदी कारकुनान ने नाराजगी का इजहार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। इसी तरह डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को कांग्रेस ही के वजीर आला सिद्धरामैया की टीम का हराने में बड़ा हाथ होने की बात कही जा रही। खैर, इल्जाम भाजपा के सुरेश गौड़ा ने तो लगाया है, लेकिन बात तो यही गश्त कर गया। अब सुरेश गौड़ा भाजपा के क्यों कर रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है कि इसके पीछे और क्या साजिश हो सकती है, इसे अब आने वाले दिनों में समझना पड़ेगा। डीके सुरेश को सिद्धरामैया हिमायतों ने हराने की कोशिश की, ऐसा सुरेश गौड़ा ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल में डीके शिवकुमार को वजीर आला बनाने के लिए इस तरह जो भी डीके शिवकुमार के करीबी है उन्हें हराया गया है। अब इस तरह के इल्जाम के दौर से भले ही किसी और को परेशानी ना हो, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी है, क्योंकि कर्नाटक में भी मुत्तहिद होकर सभी ने फिरका परस्त भाजपा को हराया था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी तारीखी नतीजे लाएगा, भले ही फिर से मोदी वजीर आजम बने हो, लेकिन जैसे कल हमने कहा था कि अब ये शेर सर्कस का है, इसका डर आवाम के दिलों से निकल गया और मजबूर होकर संविधान के सामने अपना सर झुका रहा है। जहां हिंदू राष्ट्र का ख्वाब लेकर नए संसद की तस्वीर पर भी गौर करें, आगे पीछे आपको साधु ही नजर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर पर नजर डालिए, संविधान की बजाय पवित्र सेंगोल को हाथ में थामे नजर आ रहे थे, मतलब कहां से कहां जमीन पर तानाशाह को लाया गया।
अब 9 तारीख को शपथ विधि है और उससे पहले कई मुतालबात पर दस्तखत करवाने में नायडू और नीतीश कुमार मसरूफ है और लगे हुए हैं। खैर, इस बात पर कभी और वीडियो बनाएंगे। कर्नाटक में भाजपा की हुकूमत में किस तरह की ज्यादती देखी जाती थी, आप सभी ने देखा है। हिजाब, हलाल, झटका, यहां तक टीपू सुल्तान की मस्जिद आला को तक निशाना बना और न जाने क्या क्या। लेकिन कर्नाटक की सिद्धरामैया और डी के शो कुमार की हुकूमत ने अवाम को 5 गारंटियां दी और अवाम ने उसके बदले वोट दिए। इंसान की रोजमर्रा की जरूरतें धर्म से बढ़कर है, इस बात को अवाम ने भी समझ लिया और कर्नाटक ही भाजपा की सियासत के जवाल का जरिया बना। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी पर सवाल उठाए तो अवाम ने उन सवालों को हाथों हाथ लिया और उनके हक में वोट भी किया। 234 पर इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई। तानाशाह बनने का ख्वाब मोदी का चकनाचूर हुआ। संविधान बदलने की बजाय सेंगोल लेकर आगे पीछे साधुओं की टोली लेने वाला अपने आप संविधान के सामने झुक गया। पर इन तमाम खुशियों के दरमियान कर्नाटक की सियासत अख्तलाफात की नजर हो रही है। किसी और के लिए फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन कर्नाटक के साथ भारत के मुसलमानों को फर्क जरूर पड़ेगा। मुसलमानों ने तो जिस तरह कर्नाटक में एकतरफा वोट किया, उसी तरह लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन को मुसलमानों ने वोट किया। साथ में दलित ओबीसी का बड़ा किरदार रहा। पर इस तरह आपसे इख्तलाफात का फायदा फिर से फिरकापन जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि आखिर में कहीं तो लालच इंसान को मकसद से हटा देती है। आपसे इख्तलाफात के इस दौर को रोकना होगा। जो भी शिकवा शिकायत है उसे अंदर ही बैठकर सुलझाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से माहौल बना है। राम मंदिर प्रतिष्ठापना के बाद ऐसा माहौल बना हुआ था कि मोदी इस बार यकीनन 400 पार करेगा, लेकिन कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी हो या फिर कर्नाटक के तमाम कांग्रेसी लीडरों ने आवाम के दरमियान में जाकर इंसानी बुनियादी जरूरतों के मसाइल को अच्छी तरह से पेश किया। हो सकता है कि किसी में कुछ कमी पेशी हो, लेकिन तमाम की जिम्मेदारी है, फिर सिद्धरामैया हो के डीके शिवकुमार हो, बेलगाम के जिले वजीर सतीश जारकीहोली हो या वजीर लक्ष्मी हेब्बाड़कर हो, हर एक की जिम्मेदारी है मुल्क को एक तरह तानाशाह से आजादी मिली है उसे बरकरार रखे। खासकर हमेशा की तरह कर्नाटक का किरदार सरकार बदलने में रहा है। मौजूदा हालात में इल्जामात का सिलसिला देखा जा रहा है, ये न तो रियासत के लिए और साथ में मुल्क की सियासत के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। भाजपा बौखलाई हुई है, वो फिर से किसी तरह की साजिशें चल सकती है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। ऐसे वक्त में बड़ी समझदारी से इत्तेहाद का मुजाहरा करे, क्योंकि इसी इख्तलाफात का फायदा उठाकर फिर किसी ऑपरेशन कमल को नकारा नहीं जा सकता। उनके पास पैसा है, आज भी एजेंसियां है, वो ठीक है। आज एनडीए गठबंधन को लेकर वो किसी तरह से खामोश पीछे बैकफुट पर हैं, लेकिन खामोश नहीं है। समझदारी से काम ले, थोड़ा सब्र करे, कमी पेशी हो सकती है। किसी तरह फिरका परस्तों को मौका न दे, यही एक तमाम सियासी लीडरों से हमारी गुजारिश है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।